एक थे ग्वारे बाबा, वृंदावन में ही रहते थे। बिहारी जी को अपना यार कहते थे, सिर्फ कहते नहीं मानते भी थे। नियम था बिहारी जी को नित्य साय शयन करवाने जाते थे। एक बार शयन आरती करवाने जा रहे थे, बिहारी जी गले में बड़े मोदक बन रहे थे, अच्छी खुशबू आ रही थी। चार मोदक मांग लिए बिहारी जी के लिए। वृंदावन के लोग बिहारी जी के भक्तों का बड़ा आदर करते हैं, उन्होंने मना नहीं किया, एक दोने में बांध दिए साथ में। बाबा भीतर गए तो बिहारी जी के भोग के पट आ चुके थे। ग्वारे बाबा जी ने वहीं बैठकर अपना कंबल बिछाया और उस पर बैठकर अपने मन के भाव में खो गए। वहां बिहारी जी की आरती का समय हुआ तो श्री गोसाई जी बड़ा प्रयास कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर का पट नहीं खुल रहा था। बड़े हैरान इधर उधर देख रहे थे। एक संत कोने में बैठ सब दृश्य आराम से देख रहे थे। पुजारी जी ने लाचारी से देखा तो संत बोले, उधर ग्वारे बाबा बैठे हैं, उनसे पूछो, वो बता देंगे। गोसाई जी ने बाबा से कहा, रे बाबा, तेरे यार तो दरवाजा नहीं खोल रही हो। बाबा हड़बड़ा कर उठे, रोम रोम पुलकित हो रहा था बाबा का। बाबा ने कहा, जय जय, अब जाओ। और बाबा ने पुजारी से कहा, अब खोलो। पुजारी जी ने जब दरवाजा खोलने का प्रयास किया, हल्का सा छूते ही दरवाजा खुल गया। पुजारी जी ने आरती की और बिहारी जी को शयन करवा दिया। लेकिन आज पुजारी जी के मन में यह बात लगी है कि आज मैं प्रयास करके हार गयो, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, लेकिन बाबा ने कहा और दरवाजा खुल गया। पुजारी जी ग्वारे बाबा के पास गए और कहा, बाबा आज तुझे तेरी यार की सौगंध है, सांची सांची कह दे, आज तेरे यार ने क्या खेल खेलो। ग्वारे बाबा हंस दिए, कहते हैं, जय जय, जब आप भोग के लिए दरवाजा खोल रहे थे तब बिहारी जी मेरे पास मोदक खा रहे थे, अभी मैंने उनका मुंह भी नहीं धुलाया था कि आपने आवाज दे दी, उनका मुंह साफ कर देना, जाइए उनका मुख तो धुला भी दीजिए, उनके मुंह पर जूठन लगी है। गोसाई जी ने स्नान किया, मंदिर में गए तो देखा कि ठाकुर जी के मुख पर तो मोदक का जूठन लगी थी। सच में रहस्य रस है ठाकुर जी की सेवा में, अधिकार रखिए सी ठाकुर जी की सेवा पर, सर्वस्व न्योछावर करके उनकी सेवा में सुख मिलता है, अनहोनी होती है फिर सेवा की कृपा से, इसे सिर्फ श्री कृष्ण भक्त ही समझ सकते हैं, दूसरों को ऐसी बातें समझ नहीं आती। कृष्ण भक्त तो ठाकुर जी की हरेक कथा को अपने मन की आंखों से साक्षात देख लेते हैं, उसी में आनंद लेते हैं, फिर दुनिया की भी परवाह नहीं करते। ठाकुर जी की तरफ जो सच्चे मन से बढ़ता है, फिर ठाकुर जी भी उसके जीवन में ऐसा खेल खेलते हैं कि जिसे वो अपना समझता है और जिंदगी भर अपना समझना चाहता है, और सच में उसके सच्चे मन से ठाकुर जी शरण आ गयो, उसे फिर संसार चिंता नहीं रहती, उस चिंता सिर्फ ठाकुर जी स्वयं करते हैं। जय जय श्री राधे।